टूनी अपनी बेटी को लिए छोटू के अस्पताल गई। घबराते हुए रो रो कर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। डॉक्टर ने तुरंत उसकी जांच की। अगर पिछले 2 दिनों से वो खा नहीं रही है तो आप उसे आज लेकर आई है, यूं डॉक्टर उसे डांटने लगी। पैसों की वजह से ही मैं उसे नहीं ला पाई, उसे क्या हुआ है डॉक्टर? मैं उसे कुछ दवाइयाँ देकर ऑक्सीजन पर रखूंगी। ये कहकर डॉक्टर उसकी जांच करने लगी। टूनी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करो, यूं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वहीं खड़ी उसकी बातें सुन रही चीचू कौवा ने उससे पूछा, इतनी दुखी क्यों हो, आखिर क्या हुआ है, तुम्हारी क्या तकलीफ है मुझे बताओ। मेरी बेटी की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अस्पताल लेकर आई हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो बहना, भगवान तुम्हारा भला ही करेगा। बहन जी क्या तुम इसी गांव से हो? यूँ धीरे से उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें कर रही थी। यूँ बातों बातों में टूनी की सारी कहानी पता चली। फ्लैशबैक। मैं और मेरे पति बांस की लकड़ियों का व्यापार किया करते थे। बांस की लकड़ियों को बेचकर हम खुशहाली से जी रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे, अचानक मेरी पति की सेहत बिगड़ी और वो शय्याग्रस्त हो गए। मेरी सेहत बिगड़ती ही जा रही है, मैंने हमेशा पैसों की सोची और अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जीना चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए, इसलिए अपनी पास रही जमीन को बेचकर मेरा ऑपरेशन करवाओ। हाँ ऐसा ही करूँगी। फिर अगले 2 दिनों में मैंने हमारी सारी जमीन बेच डाली और मेरे पति का ऑपरेशन करवाया। कुछ 1 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद जमींदार की खेती पर वो काम करने लगे। जमींदार और उनकी पत्नी मही हमारा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मही के पति ने मेरे पति से कहा, तुम्हारी मालकिन अभी पेट से हैं। अगर तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा हो जो घर का काम कर दे तो बता देना, बस 1 बरस तक अगर वो काम कर ले तो वो जितना चाहेंगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं। जमींदार की बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ से हामी भर दी और घर आकर मुझसे कहा, मही एक बहुत अच्छा मौका मिला है, जमींदार के घर पर काम करने के लिए हम अपनी बेटी को भेज देते हैं। उन्होंने कहा है काम के बदले में जितना हम मांगेंगे उतने पैसे देंगे, इस काम से हमारे पास बहुत पैसे बनेंगे। पढ़ाई करने की उम्र में हम उससे काम कैसे करवा सकते हैं? नहीं मैं उसका स्कूल नहीं छुड़ाऊंगी। तो फिर और करे क्या, घर के कामों से ही तुम्हारा समय निकल जाता है, तुम घर का और वहाँ का काम तो नहीं संभाल पाओगी ना। बात सिर्फ 1 बरस की है, साल भर की पढ़ाई रुक गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, मेरी बात मान लो। मैं उनकी बातों के आगे कुछ न कह पाई, मैंने भी मान लिया। पर एक दिन जमींदार और उनकी पत्नी मही हमारे घर आए। तुम्हारे पति ने हमें सब कुछ बता दिया है, ये पैसे रख लो अब हम चलते हैं। उनकी बातें सुन मेरी बेटी रोते हुए बोली, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे इनके साथ मत भेजो ना माँ। यूं मेरी बेटी रोए जा रही थी, फिर भी वे जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। मेरी बेटी काम नहीं कर पाई, मैं अगले ही दिन उनके घर गई। मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ, आप कहो तो उसके बदले में मैं काम कर लूंगी। मैं अपनी बेटी को काम पर नहीं भेजना चाहती, उसे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। यूं मैंने उनसे बहुत विनती की। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ काम करने वाला चाहिए। हाँ तो मैं आपके सारे काम करा दूंगी। केवल 2 दिनों के काम से ही मेरी बेटी की सेहत खराब हो गई। उस दिन का काम निपटा कर मैं अपनी बेटी को लिए घर चली गई। उसी दिन से मेरी बेटी की सेहत खराब रहने लगी। काम पर ना जाने की वजह से वे दोनों हमारे घर पर आ गए। क्या हुआ, 2 दिन से काम पर नहीं आई? मेरी बेटी की सेहत बहुत खराब है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सेहत खराब है तो अस्पताल ले जाना चाहिए ना, उसके सामने बैठकर यूं रोने से क्या होगा। मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन, आपके दिए हुए पैसे मेरे पति शहर लेकर गए हैं, कहा कोई व्यापार शुरू करेंगे, मेरे पास इसके इलाज के पैसे नहीं है। तो ये पैसे रख लो और तुरंत इसे अस्पताल ले जाओ। फिर मैं तुरंत अपनी बेटी को लिए अस्पताल चली आई। यूं अपनी पूरी कहानी टूनी ने चीचू को सुनाई।
उसकी कहानी सुन चीचू ने कहा, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है तुम पर। यूं उसे हिम्मत देने लगी। बहुत देर के बाद डॉक्टर बाहर निकली और उसने कहा, तुम्हारी बेटी होश में आ चुकी है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे टूनी की जान में जान आ गई। अगले कुछ और दिनों तक अस्पताल में ही रहकर पूरी तरह से ठीक होने पर टूनी उसे अपने घर ले गई। फिर उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया। टूनी काम पर जाया करती और वहाँ काम कर अपना गुजारा कर रही थी। पति शहर से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस लौटा। पति भी सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुआ। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, अब अपनी जिंदगी में दुखों की कोई जगह नहीं। अब मैं जमींदार के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। एक जंगल में टोनी गौरैया, छोटू तोता और लूसी कबूतर रहा करती थी। वे तीनों बहुत अच्छी सहेलियां थी, हर समय साथ में ही घुमा करती थी। टोनी गौरैया को शादी में बहुत रुचि थी। वो हर समय अपने शादी के सपने बुना करती थी। वे तीनों हर दिन की तरह सैर पर निकले। तब टोनी ने अपनी सहेलियों से कहा, दोस्तों मेरे लिए एक रिश्ता आया है। उस पर छोटू तोता ने कहा, अरे वाह दोस्त, इसका मतलब तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। शादी का नाम लेते ही गाल गुलाबी हो जाते हैं इसके। तो अब हमारी सहेली दुल्हन बनने जा रही है। वैसे क्या लड़के वालों ने तुम्हें देखा? तुमने लड़के को देखा? कैसा है वो? क्या रणवीर सिंह जैसा है? उस पर टोनी गौरैया ने कहा, हाँ मैंने देखा है उसे, वो बहुत ही सुंदर है। ये कहती हुई वो शर्मा गई। ये देखकर लूसी कबूतर ने कहा, अरे वाह, ये तो शर्मा गई। शर्माती हुई तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। वो तुम्हें पसंद आया ये तो ठीक है, पर उसे भी तो तुम पसंद आनी चाहिए ना। तुमने कहा कि वो रणवीर सिंह जैसा है, तो वो तुम्हें पसंद करे ये थोड़ा मुश्किल ही है ना। यूं मुस्कुराते हुए लूसी ने कहा। इस पर गौरैया बोली, अब तुम बस भी करो, कितना मजाक उड़ाओगी। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, और सच कहूँ तो तुम दोनों से मैं ही ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। वैसे भी मेरी खूबसूरती देखकर बिना पल गवाए वो शादी के लिए तैयार हो गया। सुना है उनकी माँ ने ज्यादा दहेज देने वाला एक रिश्ता भी देखा, फिर भी ये मुझी से शादी करना चाहता है, इसीलिए इसने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। ये सुनकर लूसी कबूतर ने कहा, हाँ बाबा हाँ, तू ही हम दोनों से बहुत ज्यादा सुंदर है, अब मुंह बनाना बंद भी कर। वैसे शादी कब की है? यूं तीनों सहेलियां शादी को लेकर बात कर रहे थे। फिर टोनी की शादी हो गई। टोनी अपनी सहेलियां और अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने के बाद टोनी का पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। सास का नाम महीचिल था। महीचिल को टोनी ज्यादा पसंद नहीं थी। एक दिन टोनी ने खाना परोसकर महीचिल के पास लाया। तब महीचिल ने उससे कहा, ना जाने मेरे बेटे ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया कि तुम्ही से शादी करने की जिद पकड़ ली थी उसने। मेरे बेटे के लिए तो और भी बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, हर कोई मोटी मोटी रकम दहेज में देने वाला था। खैर दहेज की बात एक बार भूल भी जाओ, बाकी पक्षियां तुमसे खूबसूरत भी ज्यादा थी। ना जाने उन सब को मना कर उसने तुमसे शादी क्यों की, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। सास की बातों का मही को बहुत बुरा लगा। आईने में खुद के चेहरे को देखती हुई टोनी ने खुद से कहा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ ना, भला मुझ जैसे सुंदर और कौन होगा। मुझ जैसे सुंदर दिखने वाली को उस राक्षस चेहरे वाली ने सुंदर नहीं कहा। हो सकता है मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा हो। जो भी हो, उसने कहा ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब बस मुझे जिस दिन मौका मिला ना, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। यूं टोनी ने मन में ठान लिया। एक दिन टोनी पानी भरने के लिए कुएं के पास खड़ी थी, तभी वहां पर महीचिल भी आई। हे भगवान, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं शांति पाने के लिए सुबह सुबह थोड़ी देर यहाँ आती हूँ। उठते ही मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, ना जाने मेरा दिन कितना खराब जाएगा। चील की ऐसी बातों का टोनी गोरैया को बहुत गुस्सा आया। टोनी ने गुस्से के चलते उससे कहा, क्या कहा? मैं बदसूरत दिखती हूँ? बदसूरत आप हो, बहुत कुरूप दिखती हो। यूं टोनी ने गुस्से से सास को कहा। यूं उन दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। नई नवेली बहू का सास के साथ इस तरह झगड़ा करना मही बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुएं के पास रही रस्सी उठाकर मही ने टोनी के गले से बांधा और उसे कुएं में लटका दिया। सासुमा, मुझे छोड़ दीजिए सासुमा। सासुमा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सासुमा, मुझे छोड़ दीजिए। यूं टोनी सास से विनती करने लगी। इतने में अपना काम निपटा कर घर लौटे टोनी के पति ने कुएं के पास लटकती हुई टोनी को देखा। उसने अपनी माँ से सख्ती से बात की और टोनी की रस्सी खोलकर उसे बचा लिया। टोनी, अगर कोई बड़ा तुमसे कुछ कह दे तो तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आएगी ना? और माँ, वो छोटी है तुमसे, तुम्हें उससे कौन सी बात करनी या नहीं करनी चाहिए ये समझना होगा ना? तुम्हें भी तो अपना बड़प्पन दिखाना होगा ना? यूं हर छोटी बात पर तुम दोनों झगड़ा करने पर उतरोगे तो कैसे चलेगा? सास बहू हो तो क्या हुआ, क्या माँ बेटी जैसा नहीं रह सकते? आखिर घर में तुम दोनों को ही साथ में रहना है ना? मैं तो किसी न किसी काम के सिलसिले में बाहर ही रहूँगा। अगर घर पर तुम दोनों यूँ झगड़ते रहोगे तो मैं बाहर शांति से कैसे काम कर सकूँगा? पति की कही बातों से टोनी और मही चील को पश्चाताप हुआ। उस दिन से दोनों ने अपना मन बदला और साथ में खुशी से रहने लगी। पति गौरैया को अपनी पत्नी टोनी और माँ मही में आए बदलाव को देखकर बहुत खुशी हुई।